नमस्कार सिद्धार्थ भक्ति चैनल दाढ़ीयता भक्ति को स्वागत। आज अध्याय आपण शुणिबे कृष्णदास संवाद। गत अध्याय आपण शुणिथिले जे कृष्णदास को राजा बंदी करचंदी काहेकि ना स्वार्थ पई। वर्तमान समय रे स्वार्थ आम समस्त को एमिति बांधी के रखी जे बिना स्वार्थ रे भी कौनसी कार्य होनी आज्ञा। संत तुलसीदास कहले सुरनर संत सबका यही रीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर नर संत एमाने समस्ते स्वार्थ लागी ही प्रीति करंती। तेणु राजा को स्वार्थ रे बाधा आसला। राजा कहिथिले जे तमे जो गीत लेखुच सुंदर भाव लेखिब मो नारे ही भणती करिब सारा जगत रे जानिबे मु आकु लेखिछि। भक्त कहले नाही आज्ञा जगन्नाथ पाखे मुझ समर्पित तांको छड़ा मु आउ किछि लेखि पारिबिनि। जो राजा तांको बंदी करथिले आउ कृष्णदास कहले कहले प्रभु मु मरीगले मते दुख लागिबनि किंतु मु चाहे आपणकर कीर्ति आपणकर कीर्ति रूपक सूर्य केबे अस्त न होउ। आमे जो सूर्य को देखुचे से उदय होउचंती अस्त भी होउचंती किंतु आपणकर कीर्ति सूर्य सबुबले अक्षय हेकि थांतो तांकर अस्त न होउ। मु मरीगले मोर दुख नाही। समस्त कहिबे कृष्णदास सी जगन्नाथंकर पादर शरण पशिथिला कृष्णंकर पादर शरण पशिथिला किंतु सी मल्ला बळे कृष्णताकु रखिलेनि। एई जो निंदाटा एई निंदा पई मते डर एई कथा चिंता करी प्रभु भगवान को डाकिला आ भगवान गले करपल्लव हात छुआई देले लौह सिकुळी सब आपे आपे फिटी गला। आउ कोन हैला चलन तो सुनिबा रामदास कोन लेखिले फिटिला अशेष बंधन बोइला प्रभु भगवान भक्त वत्सल बाना मोर तुमने संशय न कर एमंत बोली जन पासे देई दिव्य भोजन पासे देई दिव्य भोजन पासे देई। जेतुले सिकुली खोली गला निद भांगी गला कृष्णदास देखिले प्रभु आपण आसी दयामय आपण भक्त को रक्षा करने को आसी हसीदे ठाकुर कहे कृष्ण तुम्हें भय कर ना मो पूरा भक्त बांधव भक्त को उद्धार करवा मोर कर्तव्य यही कथा कही बुझेदे आस्वादु दिव्य भोजन मान भक्त पाखे रखीदे तुम्हें किसी खाई नथिवो तुमको भोक हेनी तुम्हें खाई दियो आगो खाई दियो परे मो सहित कथा हेब आगो खाई दियो। तापर भक्त रामदास ए मार्मिक प्रसंग को किभली भाव आगू नौ चलतु आम शुणी ना भुंज आज्ञा दे तक्षण अंतर ध्यान बेले कृष्णदास निद्रा तेजीन चौपाश मने विचारई अद्भुते मने विचारई अद्भुते मने विचारई। खाओ बोली आज्ञा दे अंतर्ध्यान हो गले महाप्रभु। कृष्णदास निद भांगी गला अद्भुत मन से विचार कला ताहले मो प्रभु आसी मो हाथ मो पादर सिकुड़ी सब मो ठाकुर खोली देचंती आ ये दिव्य भोजन मो प्रभु मो पाई रखिचंती केड़े दयालु तुमे प्रभु। से भोजन को देखिकी ता हस्तपद सिकुड़ी विहीन हो जाए ये सब देखा पर आश्चर्य हो गला कृष्णदास मु जानिली प्रभु तुम्हें निश्चित भाव तुमर मान रख आउ ता सहित भक्तर मान रख। भक्त रामदास आगो कौन लिखिचंती
ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣି ନେବା। ଓ ନାଇ ଦେଲେ କେହି ନାହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ମନେ ବିଚାରଇ देखिला के कौट ना जाणिला मो प्रभु निश्चय आसी मोपाई महाप्रसाद को रखिकी जाते आनंद रे महाप्रसाद धई नेत्र रे सुई आनंद रे ग्रहण कले आउ कौन कौन भक्त रामदास चलत शुणा कई बल्य पाई अति तोष बोइले मन रहरस निश्चे गोविंद रमाया बोली पुलक कर काया कुंद माधव मुरारी श्री राम कृष्ण वासुदेव परमानंद पद्मनाभ परमानंद पद्मनाभ परमानंद पद्मनाभ वासुदेव हे परमानंद हे पद्मनाभ सबु तुमरी दया कैवल्य को ग्रहण कला आनंदित हो गला मो महाप्रभु मोर प्रकृत बंधु सी जी मोपाई कैवल्य आणिक आसचने मो उपवास रही बोली आउ कौन कौन भक्त रामदास चलंतु आमे सुनि नबा अनंत अच्युत गोविंद ब्रज के सब सदानंद श्रीनारायण चक्रपाणी ब्रजवल्लभी प्राणमणि श्रीवन माणी शिरपति दीनबा धवदासरथी लक्ष्मी वल्लभ सीतापति हेमंत प्रभु नाम चिंती हेमंत प्रभु नाम चिंती हेमंत प्रभु नाम चिंती अनंत गोविंद केशव लक्ष्मीपति जहाँ जहाँ भगवान रूप गुण तक मन भितर को आसुची गोटिक परे गोटे ना धरी से वंदना करिवार लागिसंति आउ कौन कौन भक्त रामदास चलते शुणा भक्त बसल हल पाणी भगत चिंता मने जानी से राज्य राजा पासे गले हल लंगल देखाई कृष्णदास नहिले तुनि से मरिबु भृत्यकु कि करि पारिबु भृत्यकु कि करि पारिबु भृत्यकु कि करि पारिबु एठी रामदास कहउचंदी जे प्रभु राजा पाखे पहुँचले केमी कौ रूप बलराम रूप बलराम गोटे ना हूँ लांगली
हल लंगल को धरी राजा पाखे पहुँचिले। सुतरा बलराम सीए लांगलु सीए कारण हल लंगल ही बलराम धारण करती पहुँचे देखिपुच तो मोर बल को जदि तू कृष्णदास को मुक्ति न करू तो तू तो निजे मरबु आ मला परे तार कौन करू तू बचा को चाहु तो सांगे सांगे मुक्ति कर ताकू छाड़ी दे सांगे सांगे ना तू मरबु तू मला परे आ दंड दे पारू कि बाकी तो इच्छा आग को ए मार्मिक प्रसंग को रामदास केमी नौ चलत आम शुणी ने ए मंत आज्ञा ताकू दे बलराम ठाकुर गजपति दिव्य सिंह देव को यही कथा कहीदे चलीगले आ दिव्य सिंह देव से कथा को मन रखिंट राति पाईगला बलराम को चिंता करी जाऊंती आज भक्त निकट को मोर प्रभुंकर निर्देश ताकू पालन करने पड़ो जार निर्देश रे जगत परिचालित मु तो छार तांका निर्देश मत मानवाक पड़ो मत भक्त पाखक जीवाक पड़ो आँ कौन भक्त रामदास चलतु शुणी ने बंदी मोदी रे बीजे कले कबाट फिटाई न देले पथर काढ़ी काठ फेई दास को देले कौन बंदी मंदिर जाए पहुँचीगले द्वार खोली देले देखिले कृष्णदास बसी आ प्रभुंकर अंगलागी वस्त्र राजा बा गजपति दिव्य सिंह देव जो वस्त्रटा प्रभुं भेटी नहीं थिले बा प्रभुं अंगरे जो वस्त्र से दे थिले प्रभुं अंग सेवा लगी से वस्त्रटा को ठाकुर आणिकी कृष्णदास को दे वस्त्रटा कृष्णदास अंगे पड़ी आसी आराम भगवान का नाम कीर्तन करुची राजा आश्चर्य हो गले प्रभुंकर अंगलागी वस्त्र भक्त देहरे आउ कौन है आग को चलते शुणा बोले सुन नरनाथ आम्भे देखिलु विपरीत कबाट फिट अवकाशे जाई मिलिलु प्रभु पासे बुझीबा हे रूपमणि स्वप्न कथा मने चिंती अति आनंदे से रूपति अति आनंदे से रूपति अति आनंदे से रूपति कृष्णास कहले महाराज मु किसी जानी आज्ञा ये अंग वस्त्र मु आनी आज्ञा मु खाली स्वप्न देखिली मो प्रभु आसी अंगरे वस्त्र अच्छी तापर ये अंग वस्त्र केमी मो देह को आसला मुझे कहीपरि आज्ञा मु आनी
ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ହସିଦେଲେ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ତାହା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ହସିଦେଲେ ରାଜା, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ କରୁନି। ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ତୋତେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ତୋ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ନାସା ଧନ୍ୟ କହିବା ତୋର ଭାଷା, ଧନ୍ୟ ତୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ଦୟା ତୋତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ଦୟା ତୋତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏତେ ଦୟା ତୋତେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ଯେଉଁ ଦୟା ମୁଁ ପାଇନି ସେ ଦୟା ତୁମେ ପାଇଛ, ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେବି କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ତ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କର ନା, ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ଭୟ କାହାକୁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସଂସାରେ ହରି ଭକ୍ତି ସାର ଧିକ ମୋର ପତି ହେବାର, ଧିକ ଏ ଅନ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ଧନ୍ୟ ସଂସାରେ ହରି ଭକ୍ତେ, ଦେଖ ମୋହର ମୁଢ଼ାପଣ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ କଷଣ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ କଷଣ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଲି ମୁଁ କଷଣ। ଧିକ ମୋ ରାଜାପଣକୁ, ମୁଁ ରାଜା, ରାଜାର ଧର୍ମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ଶାସନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜା ହେଇକିରି ଧର୍ମରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଭକ୍ତ ହେଉଛ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ରାଜନୀତିଟାକୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ତୁଲେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏଥେ ଅପରାଧ ମୋର ଯେତେ କେବେ ଘେନି ବଚିତେ, ତୁମର ନାହିଁ ପରାପର ମୋହର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଏମନ୍ତ ବୋଲି ରୂପମଣି ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି, ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି, ଅନେକ ଧନ ବସ୍ତ୍ର ଆଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଅପରାଧ ହେଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ତ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପରାପର ବିଚାର ନଥାଏ, ପର ଆପଣାର ବିଚାର ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ଉଦାର ଯେ ଅକ୍ଲେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅପରାଧକୁ ମୋର କ୍ଷମା କର, ମୋ କଥାକୁ ମନରେ ଧରନା। ଏଇ କଥା କହି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଅନେକ ଧନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉପହାର, ଏତେକକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କବିତା ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ବି କହିବିନି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ। ସେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ ବା ନ କରିଥାନ୍ତେ ତା ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବଳରାମ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଏ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଲାଙ୍ଗଳିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କେବଳ ଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ। ଭକ୍ତକୁ ଯଦି ବନ୍ଦୀ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି? ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ପରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା।
समस्ते जय जय कले श्री कृष्ण दास विजे कले प्रभुंकु दर सन करी चलिन गले निज पुरी प्रभुंकर महिमा सुमन को आगरे चैतन्य कहते जे मन स्थिर करके शुण मु आरंभु कही ये कथा शुणिले भव व्यथा भव संसार जतेक ताप जतेक दुख सबु छाड़ी पल पाप छाड़ी पल प्रमाण तुम्हें पाइल जे कि भाव भगवान बंदीशाला को जाकि मुक्त कले निज हाथ में खाइबाक दे अंग वस्त्र निजर नहीं कांधरे पकईदे आत्मीय आए अच्छी से ही एकमात्र आत्मीय एकमात्र परम प्रिय तेणु समस्ते जय जयकार कले जय कृष्ण दासंकर जय जयकार करी जेझा घर को चलीगले आउ गजपति दिव्य सिंहदेव से मध्य धन दे निज राजप्रसाद को चलीगले आउ कौन घटना घटी चलंतु सुनिबा हरि भकत मानंकर महिमा अपारु अपार के मुखे कही पाकु क्षम एक कथा नुहई भजन हरिंकर कथा को कहिबा क्षमता कहार बा अछि आम समस्त एक एक मुख किंतु शेष नाग जहाँ एक हजार मुख एक हजार फणा जदि शेष नाग एक हजार फणारे अनबरत हरिंकर कथा कही चलिबे तथापि सरब ना जोठी एक हजार मुखरे शेष नाग भगवान को कथा कहले सरुना सी निजे आत्मतृप्ति पाऊना कि जे शुणे सी आत्मतृप्ति पाइबे आहरी शुणा को इच्छा हे जी कह आहरी कह इच्छा हे आम एक मुखरे कौन हरि महिमा को वर्णना करने समर्थ हो पार ना से सामर्थ्य आमर ना भगवान महिमा आक्तर महिमा ये दुटा जाक महिमा हूँ अनंत शेषर रामदास कहते साधु जनकर पाद धूली को मुंडे मारी मुई भगवत कथा को शेष करने को जाऊँ भगवान कृपा साधुंकर कृपा भक्तर कृपा सब बेले मो ऊपर थाउ इति श्री दाढ़्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे कृष्णदास दाढ़्य भाव मोक्षणे नाम ऊनविंश अध्याय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक बंधु कृष्णदास संवाद तो आपण शुणिले आसंता अध्याय आउ जने भक्तंकर दिव्य महिमा को आनी आमे आपण मानक निकट रे उपस्थित हेबु वर्तमान पई समय सरी जाइछि ए अध्याय को आमे एठी रखुछु नमस्कार।